दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये CSR का ब्लूटूथ डोंगल है। इसको अपन लगाएंगे CPU में और ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे अपने बोट स्पीकर को या कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे USB पोर्ट जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे ये ब्लूटूथ का डोंगल लगा रहा हूँ। इस तरह से जैसे लगाएंगे तो उसमें ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, या आपके पास हो तो शायद उसमें होती कि नहीं होती है पता नहीं। आप सिस्टम में देख लीजिए कि जैसे अपन ब्लूटूथ डोंगल लगाते हैं तो जहाँ पे ब्लूटूथ का मेन्यू या ऑप्शन जो भी कह लीजिए वो वहाँ पे शो होने लग जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लूटूथ यहाँ पे लिखा है नॉट कनेक्टिंग। हो सकता है आपको स्क्रीन पर ना दिखाई देता हो, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं वीडियो ट्रेन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉट कनेक्टिंग दिखा रहा है। अब अपन बोट स्पीकर जो कि है उसको कनेक्ट करने के लिए सेटिंग में चलते हैं। अब फिर डिवाइस के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन है। अब ऐड ब्लूटूथ जो ऑप्शन दिया प्लस आइकॉन का, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे ऑडियो डिवाइस। अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटी स्क्रीन पे ब्लूटूथ का बोट का जो है बार वो ऑन है और लपलिप हो रहा है। जैसे ही अपन कनेक्ट हो जाएंगे तो लपलिप होना बंद हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दिया जाए। ठीक है, अब स्पीकर कनेक्ट हो गया आपके कंप्यूटर से ब्लूटूथ डोंगल की मदद से। तो अब आप गाना सुन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बस यही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।